नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक FMC का जो प्रोडक्ट आता है कैजबो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैजबो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसमें पोषण तत्व पाए जाते हैं और किस तरीके से फ़ायदेमंद रहता है। तो टमाटर की फसल में हम इसके प्रयोग के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं और क्या क्या ये कार्य करता है और किन किन चीज़ों पर ये कार्य करता है। तो टमाटर की फसल में हम इसका स्प्रे करा रहे हैं, तो FMC का जो कैजबो रहता है वो फसल को पोषण रहता है बोरोन और जिंक के साथ कैल्शियम से भरपूर रहता है। इसमें तीन पोषण तत्व पाए जाते हैं जैसे कि बोरोन, जिंक और कैल्शियम को, जो फलों की पूरी गुणवत्ता को सुधार करता है। कैजबो की जो विशेषता के बारे में हम बात करें तो कैजबो की विशेषता, कैजबो फसल पोषण पौष्टिक से भरपूर दवा है जो पारंपरिक कैल्शियम की तुलना में कम प्रयोग करने पर भी बेहतर परिणाम देता है। कोशिका विभाजन को बढ़ाने में मदद करता है, पौधों के कोशिका की परत और संरचना को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर टमाटर की बात करें, टमाटर की जो फल रहता है उसको काफ़ी अच्छा बनाने में मदद करता है और टमाटर की जो मजबूती रहती है उसको बनाने में मदद करता है। तनाव और रोग संक्रमण के प्रति संरचना पौधों की प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट और पोषण तत्वों को पहुँचाने में मदद करता है, जो कार्बोहाइड्रेट और पोषण तत्व रहते हैं उनको पहुँचाने में मदद करता है। और उपज की भारी परत की मोटाई को सुधार करता है और निम्न के भीतर गुणवत्ता को बनाए रखता है और फलों की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार करता है। अब इसकी जो टेक्निकल, जो इसमें कैल्शियम, बोरोन और जिंक जो पाया जाता है वो कितनी मात्रा में पाया जाता है उनके बारे में बता दें तो कैल्शियम इसमें 21% मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, बोरोन 0.1% में बोरोन पाया जाता है और जिंक की बात करें 1.5% में जिंक पाया जाता है। तो इसके उत्पादन का विवरण के किस प्रकार से ये फसल को पोषण देता है उसके बारे में जानकारी करें तो कैजबो जो हमारा रहता है, कैजबो FMC का एक बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है और उसकी अभी लॉन्चिंग है। तो कैजबो फसल के पोषण को भरपूर कैल्शियम प्रदान करता है, जो कि कैल्शियम पौधों को स्वस्थ रखने और गुणवत्ता बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा फलों एवं सब्जियों की फसलों को कैल्शियम की कमी से की बीमारी होती है उसको बचाए रखता है, क्योंकि कैल्शियम की जो मात्रा इसमें भरपूर पाई जाती है और जिससे फलों की गुणवत्ता और टिकाऊपन पर असर पड़ता है और बाज़ार में फलों की जो कीमत रहती है वो कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि इससे चमक भी काफ़ी अच्छी आ जाती है और जो पौधों के जो फल रहते हैं वो झड़ते हैं, वो फल भी नहीं झड़ते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है। तो फसल के जो पोषण महत्वपूर्ण चरणों में कैल्शियम की कमी को दूर करता है, यह फलों और अनाज को तैयार होने में मदद करता है और इसके विकास के चरणों के दौरान मदद करता है और फलों और सब्जियों की गुणवत्ता के साथ संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार करता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो प्रति जो टंकी रहती है, जैसे कि आप जो टंकी देख रहे हैं इसमें प्रति टंकी में 25 ml इसका स्प्रे कर सकते हैं, 25 ml घोलकर इसका स्प्रे किसी भी फसल में कर सकते हैं। अगर कोई वैसी फसल है तो उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 25 ml ठीक रहता है। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद।